थैंक्स टू ऑल टू दोज पीपल यार जो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते हैं, हमेशा से इंस्टाग्राम में तुम्हारे जो DM आते हैं, यूट्यूब में जो कमेंट्स आते हैं, सीरियसली यार दिल से उन सभी लोगों को मेरा दिल से शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ। उस टाइम मेरी होप टूट गई थी बट अब मेरी होप थोड़ी थोड़ी ऊपर आ रही है। थैंक्स टू ऑल आउट टू एवरी वन यार गाइस, सीरियसली दिल से शुक्रिया। तो यार गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे को एक वेब सीरीज में एक रोल प्ले करने का छोटा सा मौका मिला था, मैंने उसमें कुछ अच्छा ही मतलब अपना एक रिजल्ट दिया था तो उन्हें पसंद आया था काफ़ी। तो उन्होंने भैया ने मुझे बोला था कि आपका मैं नंबर वगैरह लिख रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर उत्तराखंड देहरादून में कुछ भी शूट रिलेटेड आता है और उन्हें जूनियर आर्टिस्ट की नीड होगी तो वो मुझे ज़रूर कॉल करेंगे। कल सेम ऐसी हुआ, उन्होंने मुझे कॉल किया, बट वो बात थी वेब सीरीज़ की और ये थोड़ा लेवल ऊपर है। इस बार बॉलीवुड से सीधा आया है, बॉलीवुड की एक मूवी शूट हो रही है बधाई हो, और उसमें मुझे एक छोटा सा रोल प्ले करने को एक मौका मिल रहा है एंड बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे बोला है कि वो मुझे देंगे 2-3 बारी टेक, अगर मैं अच्छा करता हूँ तो वो मुझे आगे भी प्ले करवाएंगे। तो यार गाइस, अब मैं एकदम रेडी हूँ जाने को और अभी पहले मुझे कॉलेज जाना है क्योंकि आज मैं कॉलेज नहीं गया, पूरा वो नाइट शूट है और मुझे भंडारी ब्रो को वहाँ से पिकअप करना है, वो मुझे देना है। तो चलते हैं कॉलेज की तरफ। तो यार मैं प्रसून लोगों के रूम पे आ गया हूँ और इस वक्त मेरे सामने सभी हैं, त्यागी जी, प्रसून और यहाँ पर हमारे भंडारी जी। शाहरुख खान की मूवी आ रही है पठान, उसमें भी मेरा छोटा भाई है। तो यार अब थोड़ा प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है, भंडारी ब्रो तो मेरे साथ जा ही रहते हैं बट अब त्यागी जी भी जा रहे हैं। प्रसून ऑलरेडी वेब सीरीज में है, वेब सीरीज पंचबीट में ऑलरेडी इनका 2 मिनट का रोल है। प्रसून बहुत खुश है और उसकी पेमेंट होगी प्रसून आपको अभी तक नहीं हुई पेमेंट? पैसा दो, पंचबीट वाला पैसा दो मेरे को मेरा। पंचबीट वाले ने मुझे भी पैसा नहीं दिया, मैंने फ्री में काम किया, लेकिन होप यू गाइस आपको ये मेरा काम अच्छा लगेगा और आज भी अगर मैं कुछ मेरे को रोल मिल जाए तो मैं अच्छी तरह 4 कर दूँ। तो यार गाइस एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा है कि भाई। लोकेशन आ चुके हैं और हमारी एंट्री हो चुकी है, हमारा ये हरा कलर का कुछ बैंड टाइप लग चुका है, सिर्फ प्रसून के नहीं लगा क्योंकि प्रसून का टेम्परेचर हाई आ रहा है, टेम्परेचर हाई नहीं आ रहा है, पल्स रेट कम आ रहा है और ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है। तो ये है बेवकूफ, दिन भर सोए रहते हैं पीजी में, हैवान, इनके जूते से ऐसी बास आ रही है कि यहाँ की 4 कत्ल हो जाएं। तो मुझे लग रहा है आप मौका खो सकते हो प्रश्न खो सकते हैं, लेकिन हम नहीं खोना चाहते। देखो हमारा हरा बैंड लग चुका है और यहाँ हम आपको सीधे मिलाएंगे राजकुमार राव से। तो यार यहाँ पर फ्री में लंगर मिल रहा है बॉलीवुड वालों की तरफ से, काफी बढ़िया है, भूख मरी बची है। पैकेज क्या कर रहे हो भाई? चाचा जी की शादी में आया हूँ। तो यार यहाँ पर शूट है और यहाँ पर बच्चे एकदम रेडी हैं। हेलो करो मुझे, बच्चे हेलो कर दो। हेलो, बहुत बढ़िया। शूट किसका चल रहा है? हम दोनों का। अरे बाप रे, तो राजकुमार राव हो गया, खाना खाने आ रहा है बस। आपको पता है दिस इज कॉल्ड, हाथ मिलाओ, बहुत बढ़िया। तो यार गाइस ये चेंजिंग रूम है हमारा छोटा सा, आप देख सकते हैं सब चेंज कर रहे हैं, कर लिया है, सारे हीरो रेडी हो रहे हैं। तो यार गाइस हम यहाँ पर पूरा आ चुके हैं और इसके पीछे है पूरा सेटअप, ये यहीं से बहुत प्यारा दिख रहा है, अभी मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। तो यार यहाँ पे अभी थोड़ा लाइन में थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं, ये पेयर करके भेज रहे हैं उतरे थोड़ा। तो यार गाइस हम सेटअप के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है, हम बहुत चोरी छुपे से शॉट्स ले रहे हैं और सेटअप कुछ इस तरीके का है, बहुत ही सेट कर रखा है इन्होंने सेटअप, बहुत सेट है, बहुत सेट भाई, ओपी बहुत बढ़िया सेटअप है गाइस, मुझे तो लग रहा है कि हाँ काफ़ी अच्छा लेवल है इनका भाई यार, बॉलीवुड का ऑब्वियस लेवल तो होगा। इसके बाद हम कैमरा भी यूज़ नहीं कर सकते गाइस, बहुत रियर करेंगे, लेकिन हम चोरी छुपके अपना भी तो एक वो है स्टैंडर्ड, उसके लिए भी हम जरूर करेंगे गाइस, आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता कैसे होता है, लेकिन सेटअप तो भाई ओपी है, अभी तुमने देखा भी नहीं अंदर से, वाओ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट लेवल है भाई। तो यार हम लोग अंदर आ चुके हैं, हमारा सेटअप हमें बिठा दिया है, किसको कहां पे बैठना है, भंडारी जी के मजे पड़ गई है, भंडारी जी मौज कर दी, मौज बेटे मौज कर दी बेटे, तो यार हमारे टेबल के आगे इन्होंने एज अ शॉट खाली ना लगे तो एक प्लेट रखी है जिसमें खाना है, पर मुझे भूख लग रही है और वो देख सकते हो, आई गोना पिक अप दिस, लेकिन यहाँ पे खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और ये गाइस खाना बहुत जरूरी है, और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो जूजू सर यहाँ पे खाना खाते हुए, शॉट जाए भाड़ में, खाना जाए पेट में।
तो यार गाइस यहाँ पर त्यागी जी थोड़े मोहब्बत में पड़ चुके हैं। यहाँ पे लूडो खेला जा रहा है गाइस। त्यागी जी क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो त्यागी जी? भाई लूडो। किसके साथ? किसके साथ? पलक। लूडो तो साथ में खेल लो, एक फोन में अलग अलग फोन में खेल रहे हो। स्ट्रेटजी क्या है इसके पीछे? स्ट्रेटजी बताओ। और यहाँ पे त्यागी की मुस्कान। तो गाइस त्यागी जी ने तो माँ कसम सब लड़कियों की इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सब की ले ली। त्यागी जी कोई तो छोड़ दो, ग्राम ही करा के तुम लोग। त्यागी जी कुछ तो छोड़ दो यार। तो यार गाइज हम लोगों का डिनर विनर हो चुका है। डिनर का अरेंजमेंट सीरियसली बहुत टेस्टी था और हम कुछ शॉट्स नहीं ले पा रहे, कुछ क्या हम कुछ भी शॉट्स नहीं ले पा रहे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट हम मज़े पूरे ले रहे हैं। हमारे सामने सर थे, सीरियसली वो सामने से बहुत स्मार्ट है, पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है उनकी, राजकुमार राव यार सामने से यार, क्योंकि फिल्म में तो कितना देख लेंगे सामने से बंदे को देखने में लगता है हाँ भाई यार कुछ है तो है। और यार खाना तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, खाने का चिकन वगैरह सब जुजू इतना स्मार्ट लग रहा है लेकिन क्या करें मेरे से ज्यादा नहीं रख पाया। कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो त्यागी जी भाई बस क्या कहूँ, सपना पूरा हो गया एक तरह से, इतने पास से एक्टर एक्ट्रेसेस को देख रहा। देखो हम तो धन्य हो गए जो सामने से देख लिया हमने राजकुमार सर को, इससे ज्यादा हम क्या ही कहें, इमोशन से नहीं आ पा रहे ना अभी। गुहा लो जाओ। तो भंडारी भाई हमें चाय का आनंद बताएंगे कैसे लिया जाता है। त्यागी जी एक बार आओगे तो चलो। तो यार गाइस यहाँ पर एक टेक हो रहा है और हम बहुत चोरी छुपे से एक शॉट्स ले रहे हैं और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं भंडारी भाई। भंडारी भाई स्वाद आ रहा है गाइस, लाइक अ टेरर इन माय हाउस। तो यार गाइस सुबह के बज चुके हैं 5 और अब हम ब्रेकफास्ट के तौर पे पी रहे हैं दलिया। अभी अभी हमने ब्रेड और ऑमलेट वाला टोस्ट खाया, अब हम थोड़े थक चुके हैं। तो यार सुबह के 6:30 बज गए हैं और शूट एकदम डन हो चुका है और हमारी सेल्फी नहीं हो पाई सर के साथ क्योंकि बहुत सख्ताई थी। तो यार गाइस टुडे इज डे 2 और आज भी कल के जैसे ही शूट है पूरी रात भर का। त्यागी जी और के रूम में मैं 3 घंटे सो गया था और घर आके भी मैं 3 घंटे सोया, मतलब 6 घंटे बहुत है। और अब मैं रेडी वेडी हो रहा हूँ, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधा क्योंकि वो लोग सबके सब सेट पे पहुँच चुके हैं, मैं भी चलता हूँ थोड़ी देर में। तो यार गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हुआ इस ट्रैफिक की वजह से। तो यार मैंने अपने दोस्त लोगों को ज्वाइन कर लिया है, भंडारी जी, त्यागी जी, प्रशून। और खाना सबसे पहले है, शूट तो बाहर में गया। तो यार यहाँ पर एक शॉट चल रहा है, हम इतना एंजॉय कर रहे हैं शॉट पे, इतना एंजॉय शॉट कर रहे हैं। ले बेटे अगर हो सका तो मैं आपको एक क्लिप भी दिखा दूंगा बनाकर। चाय के साथ गोलगप्पे खाएगा तो पादेगा ही ना गंदे। हक दो यहीं पे। तो यार गाइस सुबह के 5 बज चुके हैं और हम अपना हमें बहुत ज्यादा हम थक चुके हैं वहाँ पर। और सीरियसली यार हमें थोड़े से सैड है क्योंकि यार हम ना फोटो ले पाए ना कुछ, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट स्टिल वी आर इन्जॉइंग। और हमने कुछ ज़्यादा ही भर भर के ले लिया है, चिकन सूप पी रहे हैं, चिकन कॉर्न सूप पी रहे हैं विद। और बस आज कोई बात नहीं, अगर हमें सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खींचने का मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमें खुशी है कि हम भंडारी भाई के साथ हैं, पूरे मज़े कर रहे हैं। भंडारी भाई फुल मज़े आए आज, बहुत मज़े आए यार। तो यार गाइस फाइनली पैकअप हो चुका है, अब हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं।
बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।